i you जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था बिल्कुल नहीं युवा सपनों को आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए क्योंकि युवा नए आइडिया से फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है ऊर्जा होती है तेजस्विता होती है शार्पनेस होती है उस पर अतीत का बोझ नहीं होता युवा विचार उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना उनको प्रोत्साहित करना यह भी जरूरी था इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर सात लाख से ज्यादा युवाओं ने चौबीस प्रतियोगिताओं में भाग लिया देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का छह सौ जिलों में आयोजन किया गया इसमें दो लाख हजार युवाओं ने भाग लिया इनमें से राष्ट्रीय स्तर के तीन विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन एक करोड़ दस लाख लोगों ने देखा हमारे लिए ये एक सुखद अनुभूति है कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है नमस्कार मैं सबसे पहले तो इन तीनों युवकों को हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से जिसमें विचार भी थे वक्तृत्व कला भी थी धारा प्रवाह विचार प्रवाह बहुत ही सटीक तरीके से प्रस्तुति थी आत्मविश्वास से भरा उनका व्यक्तित्व था इन तीनों साथियों को हमारे युवा साथियों को विजेता होने के लिए मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिज्जू जी और देशभर के मेरे युवा साथी आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है आज का दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया भविष्य के भारत को लेकर उनका सपना उनका समर्पण उनका साहस उनका सामर्थ्य उनके प्रयास इसका एहसास आज भी सेंट्रल हॉल में होता है और साथियों आप जहां बैठे हैं उसी सीट पर जब संविधान की निर्माण प्रक्रिया चली थी इस देश के किसी न किसी गणमान्य महापुरुष वहां बैठे होंगे आप आज उस सीट पर बैठे हैं मन में कल्पना कीजिए कि जिस जगह पे देश के वो महापुरुष बैठे थे आज वहां आप बैठे हैं देश को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं मुझे विश्वास है ये अनुभव इस समय सेंट्रल हॉल में बैठे सभी युवा साथियों को भी हो रहा होगा आप सभी ने जो यहां संवाद किया मंथन किया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस दौरान स्पर्धा में जो विजेता हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यहां जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे विचार आया और इसलिए मैंने मनोमन तय किया है कि आपके जो भाषण है उसको मैं आज मेरे ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करूंगा और आप तीन का ही करूंगा ऐसा नहीं अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं जो कल फाइनल पैनल में थे उनके लिए भी उनके भाषण को ट्वीट करूंगा ताकि देश को पता चले कि ये संसद के परिषद में इस परिसर में हमारा भावी भारत कैसे आकार ले रहा है तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आज आपके भाषण को ट्वीट करूंगा साथियों स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है रास्ता दिखाने वाला है आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो कोई शहर हो कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो उसे प्रेरित न होता हो स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई एहसास कराया उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे उनकी गिरफ्तारी के समय फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है समय गुजरता गया देश आजाद हो गया लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा राष्ट्रवाद राष्ट्र निर्माण राष्ट्रभक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा जनसेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी उस इस बात को जरूर महसूस करते हो कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे कल्पना तक आपको नहीं होगी मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जगता होगा सर आपका उनको नमन करता होगा यह अवश्य होता होगा साथियों स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है यह उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का संस्थाओं के निर्माण का और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है उनके संस्कार उनका सेवा भाव उनका समर्पण भाव लगातार जगाती रहती है व्यक्ति से संस्था का निर्माण और संस्था से अनेकों व्यक्तियों का निर्माण एक अनवरत अविलंब अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं संस्थाओं का निर्माण करने की प्रेरणा लेते हैं संस्था निर्माण करते हैं फिर उन संस्थानों से उसकी व्यवस्था से प्रेरणा से विचार से आदर्श से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए नए लोगों को खुद से जोड़ते चलते हैं इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशन से फिर इंडिविजुअल चक्र आज भारत की बहुत बड़ी ताकत है आप लोग एंटरप्रनरशनशिप के बारे में बहुत सुनते हैं वो भी तो कुछ एक प्रकार से यही बातें हैं एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल एक शानदार कंपनी बनाता है बाद में उस कंपनी में जो इकोसिस्टम बनता है उसकी वजह से वहां अनेकों ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स बनते हैं ये इंडिविजुअल्स आगे जाकर और नई कंपनियां बनाते हैं इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन का ये चक्र देश और समाज के हर क्षेत्र हर स्तर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है साथियों आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा युवाओं के कौशल युवाओं की समझ युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए चाहे जो स्ट्रीम चुनिए एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा साथियों आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते थे वहां की आधुनिक शिक्षा बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज़ टैलेंट को पहचाने वाली सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थी अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं हम प्रयासरत भी हैं हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतिभा अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके इसके लिए आज एक एनवायरमेंट तैयार किया जा रहा है इको तैयार की जा रही है शिक्षा व्यवस्था हो समाज व्यवस्था हो कानूनी बारीकियां हो हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है स्वामी जी का बहुत जोर उस बात पर भी था जिसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए स्वामी जी हमेशा कहते थे और वो इस बात पर बल देते थे वे शारीरिक ताकत पर भी बल देते थे मानसिक ताकत पर भी बल देते थे वो कहते थे मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील उनकी प्रेरणा उन्हीं की प्रेरणा से आज भारत के युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस पर विशेष फोकस किया जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट हो योग के प्रति जागरूकता हो या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ये युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं साथियों आजकल आप लोग कुछ टर्म्स बार बार सुनते होंगे आपके कान पे आता रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट या तो फिर टीम मैनेजमेंट इनकी बारीकियों को भी आप स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उनका मंत्र था बिलीव इन योर सेल्फ अपने आप पर भरोसा करो अपने आप पर विश्वास करो लीडरशिप का उनका मंत्र था बिलीव इन ऑल वे कहते थे पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता और जब नेतृत्व की बात आती थी तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोसा जताते थे मैंने कहीं पढ़ा था वो किस्सा मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं एक बार स्वामी जी अपने साथी स्वामी शारदानंद जी के साथ लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे सब तैयारी हो चुकी थी सुनने वाले इकट्ठे हो गए थे और स्वाभाविक है हर कोई स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के लिए आकर्षित होकर के आया था लेकिन जैसे ही बोलने का नंबर आया तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषण मैं नहीं बल्कि मेरे सहयोगी शारदानंद जी देंगे शारदानंद जी ने भी सोचा नहीं था कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे लेकिन जब शारदानंद जी ने भाषण देना शुरू किया तो हर कोई चकित हो गया उनसे प्रभावित हो गया और ये होती हैं लीडरशिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करने की ताकत आज हम जितना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी शारदानंद जी का ही है साथियों ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर बेबाक साफ दिल वाले सांसी और आकांक्षी युवा ही वो नीव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है वो युवाओं पर युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है अब आप में से कुछ युवा सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है अभी तो हंसने खेलने जिंदगी में मौज करने की उम्र है साथियों जब लक्ष्य स्पष्ट हो इच्छा शक्ति हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है उम्र इतनी मायने नहीं रखती है आप हमेशा याद रखिएगा कि गुलामी के समय में आजादी के आंदोलन की कमान युवा पीढ़ी ने ही संभाली थी जानते हैं शहीद खुदराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र क्या थी सिर्फ सिर्फ 18 उन्नीस साल भगत सिंह को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी सिर्फ 24 साल भगवान बिरसा मुंडा जब शहीद हुए तो उनकी आयु कितनी थी बमुश्किल पच्चीस साल उस पीढ़ी ने यह ठान लिया था कि देश की आजादी के लिए ही जीना है देश की आजादी के लिए मरना है लॉयर्स डॉक्टर प्रोफेसर्स बैंकर्स अलग अलग प्रोफेशन से यंग जनरेशन के लोग निकले और सबने मिलकर के हमें आजादी दिलाई साथियों हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं क्योंकि मैं भी आजाद हिंदुस्तान में जन्मा हूं मैंने गुलामी देखी नहीं है और मेरे सामने आप जो बैठे हैं आप भी सब आजादी में पैदा हुए हैं हमें देश की स्वतंत्रता के लिए मरने का मौका नहीं मिला लेकिन हमें आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है ये मौका हमें घंवाना नहीं है साथियों आजादी के 75 साल लेकर आजादी से 100 साल होने तक ये आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है दो हजार जब आजादी के 100 साल होंगे ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों आप भी सोचिए आप आज जिस उम्र में हैं अब से जो समय शुरू हो रहा है अपना वो आपके जीवन का स्वर्णिम काल है उत्तम काल है और वही कालखंड भारत को भी आजादी के सौ साल की तरफ ले जा रहा है मतलब आपके विकास की ऊंचाइयां आजादी के सौ साल की सिद्धियां दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है बहुत बड़ी अहमियत है अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता देश को दीजिए देश की सेवा को दीजिए विवेकानंद जी कहते थे कि ये सदी भारत की है इस सदी को भारत की सदी हमारी युवा पीढ़ी को ही बनाना है आप जो भी करिए जो भी फैसला लीजिए उसमें जरूर सोचिए कि इससे देश का क्या हित तो होगा साथियों स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे युवा हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है क्योंकि राजनीति पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है नई सोच नई ऊर्जा नए सपने नया उमंग देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है साथियों पहले देश में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे कि अब बच्चा बिगड़ रहा है क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा लू, खसो, खसोड़ भ्रष्टाचार न जाने क्या क्या लेबल लग गए थे लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती लेकिन आज आप देखिए आज देश की जनता देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं ईमानदार लोगों को मौका देते हैं देश की सामान्य जनता ईमानदार समर्पित सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डटकर के खड़ी रहती है ओनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना उसने ये दबाव पैदा किया है भ्रष्टाचार जिनकी लीगसी थी उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है उमान ईमानदारों के साथ अपनी ताकत खड़ी कर देता है अपना विश्वास दे रहा है अब जनप्रतिनिधि भी ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए लेकिन साथियों कुछ बदलाव अभी भी बाकी है और यह बदलाव देश के युवाओं को आपको ही करने हैं लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ है अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार जिनका आचार जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है साथियों ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है वंशवाद की जगह से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो तो अपने घर में ही इस प्रकार के विकृत उदाहरण भी देखते हैं इसलिए ऐसे लोगों का कानून के प्रति न सम्मान होता है न कानून का उनको डर भी होता है साथियों इस स्थिति को बदलने का जिम्मा देश की जागरूकता पर है, देश की युवा पीढ़ी पर है, और राष्ट्रयाम जागरियाम व्यायाम इसी मंत्र को लेकर के जीना है आप राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। लेना पाना बनने के इरादे से नहीं कुछ कर गुजरने के इरादे से आइए आप अपनी सोच अपने विजन को लेकर आगे बढ़े एक साथ मिलकर के काम करे जुट करके काम करे डटकर के काम करें याद रखेगा क्या जब तक देश का सामान्य हुआ राजनीति में नहीं आएगा वंशवाद का यह जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चार चर्चा करें देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल तक लाया जाए इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें ताकि वो हमारे साथ आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आए आगे बढ़े आपके सामने स्वामी विवेकानंद जैसा महान मार्गदर्शक है उनकी प्रेरणा से आप जैसे युवा राजनीति में आएंगे तो देश और भी मजबूत होगा साथियों स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र देते थे वो कहते थे किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख आपने उसमें से क्या सीखा हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है साहस की भी जरूरत होती है आपदा हमें यह सोचने का भी अवसर देती है कि जो बिगड़ा है हम वही दोबारा बना लें या नए सिरे से एक नए निर्माण की नींव रखें कई बार हम एक संकट किसी आपदा के बाद कुछ नया सोचते हैं तो फिर देखते हैं कि उस नई सोच ने कैसे पूरा भविष्य बदल दिया आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा मैं भी मेरा मन करता है कि आज एक अनुभव मैं आपके सामने जरूर आपके सामने रखूं। 2001 में जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया था पूरा कच्छ एक प्रकार से मौत की चादर उड़ करके सोया था सारी इमारतें जमीन दोस्त हो चुकी थी जो हालत थी उसे देखकर लोग कहते थे कि अब कच्छ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने के जिम्मेवारी आ गई चारों तरफ गूंज यही थी कि अब तो गुजरात गया अब तो गुजरात बर्बाद हो गया आप कच्छ बर्बाद यही सुन रहा था हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ी हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे तब वहां न उतनी सड़कें थी न बिजली व्यवस्था ठीक थी न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था हमने हर व्यवस्था सुधारी हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए पाइपलाइन से पानी ले गए कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था उल्टा हर साल हजारों लोग से पलायन कर जाते थे अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छ छोड़कर गए लोग आज वापस लौटने लगे हैं आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रणोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं यानी आपदा में हमने आगे बढ़ने का अवसर खोजा साथियों उस समय भूकंप के दौरान ही एक और बड़ा काम हुआ था जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है आजकल कोरोना के समय में आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र खूब सुनते होंगे इस दौरान तमाम सरकारी आदेश इसी एक्ट को आधार बनाकर जारी किए गए लेकिन इस एक्ट की भी एक कहानी है कच्छ भूकंप के साथ इसका एक रिश्ता है और मैं यह भी शायद आपको बताऊंगा तो आपको खुशी होगी साथियों पहले हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट यह कृषि विभाग का हिस्सा रहता था उसी का काम समझा जाता था क्योंकि हमारे यहां डिजास्टर का मतलब होता था बाढ़ या सूखा ज्यादा पानी गिर गया तो वो डिजास्टर ज्यादा पानी कम पड़ गया तो वो डिजास्टर बाढ़ वगैरह आती थी तो खेती का मुआवजा वगैरह देना यही काम प्रमुखतः डिजास्टर मैनेजमेंट का होता था लेकिन कच्छ भूकंप से सबक लेते हुए गुजरात ने 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया तब देश में पहली बार ऐसा हुआ जब डिजास्टर मैनेजमेंट को कृषि विभाग से लेकर वहां से बाहर निकाल करके गृह विभाग के अंडर में दे दिया गया बाद में केंद्र सरकार ने 2005 में गुजरात के उसी कानून से सीख लेकर पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया अब इसी एक्ट की मदद से ताकत से देश ने महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है आज यही एक्ट हमारे लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक हुआ देश को इतने बड़े संकट से उबारने में आधार बना इतना ही नहीं जहां कभी डिजास्टर मैनेजमेंट केवल मुआवजे और राहत सामग्री तक सीमित होता था उसी भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट से आज दुनिया सीख रही है साथियों जो समाज संकटों में भी प्रगति के रास्ते बनाना सीख लेता है वो समाज अपना भविष्य खुद लिखता है और इसलिए आज भारत और 130 करोड़ भारतवासी अपना भविष्य और वो भी उत्तम भविष्य आज देश के नागरिक खुद गढ़ रहे हैं आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास हर एक सेवा कार्य हर एक इनोवेशन और हर एक ईमानदार संकल्प भविष्य की नींव में रखा जा रहा है एक मजबूत पत्थर है आप अपने प्रयासों में सफल हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार देशभर में लाखों युवकों ने कोरोना के इस कालखंड में भी कहीं पर रूबरू में कहीं पर वर्चुअल इस यूथ मूवमेंट को आगे बढ़ाया डिपार्टमेंट के लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं इसमें हिस्सा लेने वाले नौजवान भी अभिनंदन के अधिकारी हैं और विजेता होने वालों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देने के साथ साथ जिन बातों को उन्होंने बोला है वो बातें समाज की जड़े में जाएं इसके लिए वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ें ऐसी मेरी अनेक अनेक, अनेक शुभकामनाएं हैं मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का संसद भवन के अंदर इस कार्यक्रम की रचना के लिए आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।